ऐसे है कि अध्यक्ष महोदय इस बात की पुरानी परंपराओं का सहारा लेके इसको रिजेक्ट करते हैं। पिछले 4 साल से हम कल अपना काम रोको प्रस्ताव दे रहे हैं और जनरल मोशन दे रहे हैं, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको अर्जन करते हैं और बहुत अहम मुद्दे हैं। और आज जो जहरीली शराब का यमुनानगर का मामला था या अम्बाला का मामला था, वो एक बहुत बहुत संवेदनशील मामला था, उसके ऊपर काम रोको प्रस्ताव स्पीकर को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब उन्होंने उसको कॉलोटेशन दिया है तो देखेंगे 18 तारीख को उस बात के लिए, उस इशू पे कितना विचार रखने के लिए, चर्चा के लिए कितना समय मुकर। मंत्री के पास जवाब ही नहीं था, बोला इतना वो कर दिया और कॉलोनियों का सारे प्रदेश का बट्ठा बिठाया हुआ है, रोज़ कॉलोनियाँ इतनी बन रही हैं, सब सत्ता के प्रोटेक्शन है, सत्ता का प्रोटेक्शन, बिना प्रोटेक्शन के कॉलोनियाँ और विकसित जो अनडेवलप कॉलोनियाँ है, इस बात को ये नहीं सोचते। बड़ी दूरंदेशी की बात है कि वहाँ पर जो लोग बसेंगे उनके लिए ना तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, ना ही वहाँ पर सीवरेज का, सैनिटेशन का, सेलेज का कोई भी नहीं होगा और एक जैसे स्लम क्रिएट हो जाएंगे और आम जनता को लूटा जा रहा है और वो लूटा जा रहा है अधिकारियों और जो राजनेता हैं सत्ता पक्ष के, उनके संरक्षण से ही सब कुछ हो रहा है। दुष्यंत चौटाला जी का बयान बिल्कुल सरासर निराधार है, उस पर कोई भी उसका साक्ष्य साथ में नहीं है। वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा के बारे में विषय में बोल रहे थे और इस विषय का ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए और इस बात के लिए कहना कि गीता जी के घर में मीटिंग हुई थी या उस ना वो विधायक थे ना उन्हें कोई पता है, साथ में उनको मुख्यमंत्री भी संरक्षण करने लगे। ये इंटरनल मामला था, ये सारा का सारा सदन का, और इसको इंटरनल मामले में सदन में ही निपटाना चाहिए था इस बात के लिए। और गीता जी ने जो कहा अपना अच्छा स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने अपनी स्पष्ट स्थिति बिल्कुल सामने सदन में और उसको कही कि आपने इस तरह के एक दूसरे मेंबर के खिलाफ इस तरह के एलिगेशन नहीं निकलना चाहिए जो इलेक्शन जो कि बिना तथ्य और निराधार है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।